LTH न्यूज, अब सब पर है नजर हमारी। तमिलनाडु ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, सार्वजनिक परिवहन के आंशिक बहाली की दी अनुमति। गिरफ्तार किए गए लश्कर ए तैयबा के इन आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और अन्य खतरनाक सामग्री भी बरामद हुई है। 30 जून तक लॉकडाउन जारी, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे कर्फ्यू रहेगा, शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। लॉकडाउन 5.0 को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाए, तो तरीके से खोला जाएगा। अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। नए दिशा निर्देश के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरमबद्ध तरीके से छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, अब सुरक्षा बलों को कुलगांव में बढ़ा दी गई है। जौनपुर के चंदबक थाना के अंतर्गत घर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की नाकामी से घर जलकर हुआ खाक। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। आप बने रहिएगा एटीज न्यूज 11 के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खबरों को।